दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर और आप चाहते हो अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल क्रिएट कर लो, ताकि आप जिसको भी शेयर करो आप आसानी से कर पाओ, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल है इसका वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है, आप उसे याद नहीं रख सकते और नहीं आप उसे आसानी से किसी को बता सकते हो। लेकिन जब आप कस्टम यूआरएल क्रिएट कर लोगे तो आप उसे आसानी से दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। प्लस और भी मैं आपके स्टूडेंट बताने वाला हूँ कि आप अगर चाहते हो कि अपने यूट्यूब चैनल में कुछ इस तरीके का लिंक ऐड कर पाओ, जिसे आप वो आप कैसे करोगे। और तो और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ताकि लुक वाइज थोड़ा प्रोफेशनल आपका YouTube चैनल देखने में लगे। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के स्टूडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक ब्रांडेड या फिर एक कस्टम URL क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप आसानी से अपने YouTube चैनल का लिंक किसी को भी आसानी से आप शेयर कर सकते हो टाइप करके भी। क्योंकि जो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो URL होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मतलब XYZ कुछ भी, मतलब ऐसा होगा कि आप उसे याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप एक कस्टम URL क्रिएट कर लोगे तो वो आपके लिए आसानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको करना है YouTube.com पे जाना है, अपना जो ID उसको लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे ये जो आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, और ये जो ऑप्शन है ये सेटिंग का ऑप्शन है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिसकी वजह से जो सेटिंग वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल का कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉटम में आओगे नीचे तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, तो जहाँ आप एडवांस सेटिंग पे आप जहाँ क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुल जाता है एडवांस सेटिंग का। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपके URL जो भी चैनल का वो यहाँ पे शो करेगा। और जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक कस्टम URL लिखा हुआ है, यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम URL क्लेम इट हियर। बेसिकली दोस्तों, अगर आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो तभी ये आपको फीचर मिलता है कि आप मतलब कस्टम URL अपना चैनल का क्रिएट कर पाओ। तो मेरा इस चैनल का 100 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मुझे ऑप्शन है जस्ट आपको क्लेम इट हियर पे क्लिक कर देना है। और जहाँ यहाँ पे देखते हैं कुछ गेट अ कस्टम URL ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके चैनल का नाम शो कर रहा है, बट ये जो चीज़ है ये मतलब अभी ये क्लेम नहीं कर पाओगे इसको, जब तक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका चैनल का नाम यूनिक होगा तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। और ये जो चैनल का URL आप केवल एक ही बार क्रिएट कर सकते हो, तो बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा ध्यान से क्रिएट करना। आप देख सकते हो जिसमें एक एक्स्ट्रा एस लिखा और यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया, मतलब अब ये URL मेरे लिए अवेलेबल है, मतलब मेरे इस चैनल के लिए। और कुछ इस तरीके से जो मेरा फोक गीत है और मैं बस केवल एस लगा दिया हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स है या फिर फेसबुक ट्विटर जो भी इस चैनल का जो अकाउंट है वो सभी सोशल मीडिया अकाउंट मेरे इसी जो है फोक गीत के ही नाम से है, तो इसलिए मैंने यस इसमें ऐड कर दिया। और ये मुझे जो URL पूरा कम्प्लीटली मिल भी रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक देख सकते हो। और जस्ट उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद, और जो भी उसके बाद जस्ट आपको क्रिएट मतलब चेंज URL पे क्लिक कर देना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो डिफ़ॉल्ट URL है वो तो होगा ही होगा, प्लस आप इस URL पे भी अपने चैनल को आप फाइंड कर सकते हो। तो जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे youtube.com/c/folkgeets, तो ये जो मेरा पूरा चैनल का URL है। और इस चैनल को जब आप एक बार क्रिएट कर पाओगे तो उसे चेंज नहीं कर सकते, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है कि एकदम URL मेरा सही हो, ठीक है। और उसके बाद कन्फर्म जो चेक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये जो हो गया मेरा कंप्लीट, जो मेरा जो कस्टम URL वो क्रिएट हो चुका है मेरे इस चैनल के लिए। और अब जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक चीज़ और दिखेगा आपको कि जो भी मैंने यहाँ पे अपना चैनल का जो भी आप लगाते हो लोगो हो गया या फिर चैनल का जो आर्ट हो गया पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, और उसके जस्ट साइड में आपको कॉर्नर में इस तरीके का आपको दिखेगा ये जो सब्सक्राइबर हो गया या फिर ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक हो गए, अगर आप इसे ऐड करना चाहोगे तो वो आप कैसे करोगे बेसिकली। तो उसके लिए दोस्तों भी ये भी एक फीचर ही है इसका, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप उसको बैनर चैनल आर्ट में ही आप ऐड कर पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे लिंक्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, यही लिंक्स अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको कस्टम चैनल पे क्लिक करना पड़ेगा। और कस्टमाइज चैनल पे जहाँ आप क्लिक करोगे तो ये जो पूरा इसका जो कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कस्टमाइजेशन ये ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेआउट है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन है जिसमें आप अपलोड्स या फिर पॉपुलर अपलोड्स या फिर प्लेलिस्ट कुछ भी आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके, यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐड सेक्शन का, यहाँ से आप
आप ऐड कर सकते हो, जो कि फीचर सेक्शन है। यहाँ पे आप रिसेंट कोई लाइव स्ट्रीम करोगे उसका भी सेक्शन ऐड कर सकते हो, तो वो वीडियो लोगों को पहले दिखेगी। और जस्ट थोड़ा सा आप इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप चैनल का जो भी ट्रेलर है, अब अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो फर्स्ट मेरा ये वीडियो दिखेगा, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसको उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो दिखेगा जो कि सब्सक्राइब कर चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने चैनल के लिए ब्रांडिंग सेट कर सकते हो, थोड़ा स्पॉटलाइट कह सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा आपका जो चैनल और थोड़ा प्रोफेशनल दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी सारे जो फीचर हैं यूट्यूब चैनल के ही हैं, आप उसको जरूर ऐड करना। और यहाँ पे ब्रांडिंग वाले में ऑप्शन होगा तो यहाँ पे अपने लोगो चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो चैनल का जो बैनर है वो भी चेंज कर सकते हो, फिर अपने वीडियो के अंदर वाटरमार्क ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर बेसिक इन्फो में जाओगे यहाँ पे आपको लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा जो लिंक्स ऑप्शन है, यहीं पे आप सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हो या फिर उसका यूआरएल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो सब्सक्राइबर यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाला में, जो भी आप लिंक डालोगे या वेबसाइट या सब्सक्राइबर, वही आपको स्पेलिंग के साथ वहाँ पे दिखेगा, बाकी सारे जो भी नेक्स्ट होंगे उसके केवल आपको लोगो ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको जो भी चाहते हो कि जिसका भी सबसे पहले दिखे वो ये जो आप देख सकते हो, ये मेरा कस्टम यूआरएल है, मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मतलब रिप्लेस कर दूंगा कि जैसे लोग क्लिक करें तो मेरे इसी चैनल पे विजिट हो जाए। तो ये जो मेरा ये जो फेसबुक का अकाउंट है ये भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब इसका कस्टम यूआरएल मैंने भी क्लेम कर रखा है। तो आपको पता है कि फेसबुक का कस्टम यूआरएल, जो भी फेसबुक का पेज है उसके लिए आप अगर कस्टम यूआरएल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको 25 जो लाइक्स होने चाहिए आपके पेज के, तभी आप कस्टम यूआरएल क्रिएट कर पाते हो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी मैंने लिंक क्रिएट कर दिया है, और जो भी टॉप पे लिंक होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कितने स्लॉट होने चाहिए। तो फर्स्ट 5 लिंक्स तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपना जो भी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है आप उसको ऐड कर सकते हो, या फिर आपकी वेबसाइट्स हो, या फिर आपका सब्सक्राइबर हो, मतलब जो भी है, जो भी चैनल, और चाहो तो आप किसी दूसरे भी चैनल का लिंक आप चाहो तो इसमें लिंक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद पूरा डिटेल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका चैनल का लिंक यहाँ पे शो कर ही रहा है। और जब सब कुछ फिक्स हो जाए तो आपको एकदम ध्यान से सब कुछ चेक कर लेना, उसके बाद आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसकी वजह से जो भी आपने चेंजेस किए हैं इसमें वो सब एकदम सेफ होके पब्लिश हो जाएगा। और बस इतना ही काम आपको करना है, और आप जब भी देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो फीचर्ड पोस्ट था वो यहाँ पे शो करेगा, और ये अपलोड्स हो गया, और फिर नीचे उसके पॉपुलर जो भी अपने फीचर्ड सेक्शन था वो सब आपको शो करेगा। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल का जो भी कस्टम यूआरएल है वो क्लेम कर सकते हो, और जो भी कस्टमाइजेशन करना है अपने चैनल के लिए ताकि आपका जो चैनल है वो थोड़ा प्रोफेशनल दिखे, तो इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता ही दिया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।